Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of MRI lumbar spine on Advantage Workstation version 4.6. Okay, so let's start. यहाँ से सबसे पहले patient का data है, यहाँ से double click करके open कर दो. फिर ये layout manager है, इस पर click कर देना. तो यहाँ से लेआउट मैनेजर आपको दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे ये विंडो दो है, दो स्क्रीन है. तो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से इसका फॉर्मेट आप ले लेना. मैं इसको 4 का फॉर्मेट कर देता हूँ. ओके, पहले सबसे पहले 2 का फॉर्मेट करके जो अपना होल स्पाइन लिया है उससे आप सबसे पहले स्पाइन काउंटिंग कर लेना कि L5 सही से है कि नहीं. ये रिपोर्ट कर्सर पे क्लिक करके इसको आप काउंटिंग के लिए ले सकते हो. ये C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, L1, L2, L3, L4, L5. ओके, ये काउंटिंग हो गया है. अभी यहाँ से ये स्क्रीन के ऊपर से ये विंडो को क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट 4 कर देना. ओके, फिर यहाँ से हम लेते हैं सबसे पहले यहाँ से अभी फॉर्मेट कर दिया है 4 विंडो का. सबसे पहले सैच T2, सैच T1, स्टर, इतना 3 यहाँ पे डाल के रेडी रख देना. ओके, फिर ये विंडो पे आता है सैच T2, सैच T1. ओके, फिर अभी इसको लेबलिंग कर देना. सबसे पहले L5, L3, L1 यहां से एनोटेशन दे देना. कैपिटल में लिखना L5. सब नंबरिंग देना कुछ जरूरी नहीं है. कोई कोई सिर्फ L5 पे ही लेबल करता है, कोई L1 तक करता है. बट मेरा सिस्टम यह है कि मैं 3 पॉइंट के ऊपर लेबल दे देता हूँ. ठीक है, L5, L3, L1. अब ये सिंपल मेथड बता रहा हूँ, इसको सिर्फ एनोटेशन को यहाँ से कॉपी कर देना और यहाँ पे T1 पे पेस्ट कर देना, इससे फिल्मिंग फास्ट होगा. L3 को कॉपी कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट. L1 को कॉपी कर दिया, यहाँ पे रख के पेस्ट. ओके, तो सबसे पहले मैं सैज का फिल्मिंग बता देता हूँ. इसके ऊपर क्लिक किया F4, आपको यहाँ पे F4 आता है ना, F4 को क्लिक कर देना. F4 करेगा तो यहाँ से प्रिंट बताएगा. यहाँ पर मैंने 20 का फॉर्मेट ऑलरेडी रखा ही है तो 20 इमेज के फॉर्मेट में चला जाएगा प्रिंट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है. अभी मैंने इमेजेस लिया है 11, बट मैं फिल्म में देता हूँ सिर्फ 10. यहाँ से फॉर्मेट लेना आप 5 to 10, 10 वाला फॉर्मेट. ओके, डबल क्लिक करके इसको जूम कर दो, इतना ही जूम करना. कॉर्ड वगैरह दिखना चाहिए सही से. इसको थोड़ा लेवल विंडो कर दो, इतना लेवल विंडो होना चाहिए कि डिस्क का वाटर कंटेंट वगैरह डिफरेंशिएट हो. और वर्टिबल लेवल्स यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से एनोटेशन कर देना. राइट टू लेफ्ट लिखना जरूरी है क्योंकि फोरामेन में कभी डिस्क रहता है, फोरामेनल एक्सट्रूजन प्रोट्रूजन, वो राइट में है लेफ्ट में है, वो सब आपका मार्किंग से कंसल्टेंट को इंफॉर्मेशन अच्छा मिलेगा. राइट टू लेफ्ट ऑलवेज लिखना ही है. नो एरो करके अप्लाई यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये सजाडल T2 का एक फिल्म. फिर ये सैज T1 के ऊपर डबल क्लिक करो, F4 प्रिंट. ये भी यहाँ पे आ गया, इसको भी 10 इमेजेस. सेम वाला इमेज जो T2 का आपने कट किया है T1 में भी उसको ही कट करते हैं. यहाँ से लेआउट में जाओ,
कोई सा भी ले लो, मैंने कुछ फॉर्मेट बना के रखे हैं। इसको भी 5x2, इसको जूम कर दो, इतना ही जूम रखना। ओके, हम क्या करते हैं कि नीचे सजेडल T1 के साथ में नीचे स्टार दे देते हैं। टोटल 4 फिल्म देना है, 8 इमेजेस ले लो कोरोनल स्टार का। इसको 1x1 राइट क्लिक करके ये वाला ले लेना, माउस से 1x1 क्लिक करके ठीक है, F1 से भी आप डाल सकते हो कीबोर्ड से। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर क्लिक करके इसको इतना जूम कर देना। ओके, ये हो गया T1 के साथ में। इसको भी एनोटेशन दे देना राइट टू लेफ्ट। जो भी आपने लिया हो लेफ्ट टू राइट, पॉइंट बेसिकली राइट टू लेफ्ट ही रहता है, वो बेसिक प्रोटोकॉल है। ठीक है, SHT2 बड़ा सा फॉर्मेट है, और ये T1 सेकंड फ्रेम T1 विथ स्टर। ओके, इसको यहाँ से प्रीव्यू करके प्रिंट कर देना। मैंने कर दिया है, इसके लिए मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ। दो प्लेट अभी रेडी है, दो फिल्म रेडी है आपका। अभी एनोटेशन देते हैं एक्जल T2 और T1 को। अभी यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे डाल दो ये विंडो में, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 भी यहाँ से इसको ले लेंगे। ओके, अभी ये एक्जल का एनोटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना, फिर ये विंडो के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से ये रेफरेंस लाइन सबसे पहले क्रिएट कर देना, क्रिएट अ रेफरेंस लाइन, इसके ऊपर क्लिक करके फिर ये सेज पे क्लिक करो विंडो पे, और रेफरेंस लाइन्स आप डाल सकते हो डिस्प्ले। तो यहाँ पे रेफरेंस आ गया। ओके, मिड जो भी मिड पोर्शन का डिस्क रहता है उसके वो इमेज ले लो, ये इमेज को ले लो, यहाँ पे क्लिक करो एनोटेशन α S1। अप्लाई α S1, फिर मिड इमेज ले लेना α 4 5। अप्लाई, यहाँ पे मिड इमेज लो α 3 4। α 2 3। इतना एनोटेशन जरूर देना है। अभी ये T2 का होगा, इसको सिंपली क्लिक करके बस कॉपी पेस्ट ही करना है। α S1 को ले लो, यहां से देख लेने का थर्ड नंबर की इमेज है T2 की, तो α S1 को ले लो, कॉपी किया T1 की थर्ड इमेज के ऊपर, यहां से देख लेना कि इमेज नंबर 3 है, यहाँ पे पेस्ट। फिर यह α 4 5 लिया, इमेज नंबर 8, यहाँ से इमेज नंबर 8 पेस्ट। α 3 4 इमेज नंबर 11 कॉपी, इमेज नंबर 11 पे पेस्ट। α 2 3 कॉपी, इमेज नंबर 14 है, 14 पे पेस्ट। α 1 2 इमेज नंबर 17 कॉपी पेस्ट। D12 L1 इमेज नंबर 18 कॉपी पेस्ट। ओके, ये अभी एनोटेशन हो गया। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो F4 प्रिंट। अभी इसका फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया T2। सेम T1 के ऊपर क्लिक करो F4 प्रिंट, यहाँ पे आ गया। फुल स्क्रीन कर देना यहाँ से, इसको डबल क्लिक करके जूम कर देना यहाँ से इसको,
इतना जूम होना चाहिए, स्पाइनस प्रोसेस कटना नहीं चाहिए, ठीक है। इतना जूम किया आपने, इसको लेवल विंडो कर देता हूँ, ब्राइटनेस, जो डिस्क निकलता है ना उसका रूट्स, नौ रूट्स बराबर दिखना चाहिए, इतना लेवल विंडो कर लो। यहाँ से एक इमेज इसका ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया T1, अब ये T2 को भी डबल क्लिक करके जूम किया। स्पाइनस प्रोसेस काटना नहीं चाहिए, इतना जूम होना चाहिए, नौ रूट्स सही से दिख जाए, एग्जिटिंग ट्रैवर्सिंग नौ रूट्स, ओके। इतना विंडो करना, बहुत ब्लैक मत कर देना इसको। यहाँ से इसका भी ये ले लिया एक इमेज, ये T2 का भी फ्लेम रेडी, T1 फ्लेम रेडी, ओके, फोर फ्लेम्स हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा MRI लंबर स्पाइन फिल्मिंग ऑन ADW 4.6। ये हमारा GE का मशीन है, 1.5 टेस्ला MR 355 ब्रीवो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।